हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज है 25 जुलाई, तो आज हम देखेंगे हमारा दैनिक जागरण का एनालिसिस, जिसके अंदर कि हम पहले न्यूज देखते हैं और जो जो न्यूज इंपॉर्टेंट है उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकता है वो मैं बताता हूँ, और उसका पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये यहाँ पे क्यों आया, और सारी चीज आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप ये पूरी वीडियो जरूर देखें, आपको एग्जाम के अंदर काफी बेनिफिट होगा। और हम एडिटोरियल का भी एनालिसिस करते हैं जो लास्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर की जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग ऐसे राइटिंग की तैयारी करते हैं, तो जो मेंस में राइटिंग का पेपर होता है उसके लिए हम एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं, तो वो भी काफी अच्छे से होता है। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो, तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, आरबी, आरआरबी, आरपीएफ, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो हमारे लेक्चर्स हैं, हिस्ट्री के लेक्चर्स हम देते हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर, ये हमारे लेक्चर सीरीज है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और हम जल्द ही मैथ्स और रीजनिंग भी शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश भी शुरू हो चुकी है, उसका एक लेक्चर हो चुका है। और ये रहे हमारे लेक्चर टाइमिंग्स, जो सुबह 6 बजे करंट अफेयर का लेक्चर हिंदी में, 7 बजे करंट अफेयर का लेक्चर इंग्लिश में, और 9 बजे जागरण एनालिसिस। तो आप ये 9 बजे वाली वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले 6 और 7 वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। और डेली लेक्चर जो इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इंग्लिश के, ये डेली लेक्चर होते हैं। और लाइव क्लासेस भी चलती हैं, इंडियन जीके की डेली क्लास 10:30 बजे, मॉक टेस्ट डेली 11:30 बजे, और हरियाणा पुलिस या हरियाणा जीके का टेस्ट या फिर जीके की क्लास होती है वो 4 बजे शाम को। तो आप ये टाइमिंग्स नोट कर लीजिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का पहला संपूर्ण डिजिटल कला संग्रहालय किस देश में खुला? तो हम एनालिसिस शुरू करने से पहले ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं डेली आपको जीके के कुछ क्वेश्चन भी करवाता हूँ जो करंट अफेयर में रहते हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है जापान। भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है व्हाइट पेपर। तो याद रखिए, व्हाइट पेपर भारत सरकार की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। बाज किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो राइट आंसर है स्पेन। याद रखिए, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। भारत में विकसित की गई सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो राइट आंसर है पृथ्वी। किस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है टेमेन मैग्सेसे। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? जी शंकर कुरप्पा। तो आप ये अच्छे से याद कर लीजिए, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए करना है तो। और अब हम लेक्चर शुरू करने से पहले जो मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे उनका मैं आंसर दे देता हूं। मैं डेली कुछ क्वेश्चन, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सुन लीजिए, मैं डेली कुछ क्वेश्चन पूछता हूं वीडियो के अंदर, और आप लोगों को कहता हूं कि आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको उनका आंसर पता है तो। नहीं पता तो भी कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, जो भी डाउट क्वेरी कुछ भी कमेंट करिए, आपकी जो भी इच्छा है, तो आपके हर कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैं उनके आंसर देता हूं। तो आंसर सुन लीजिए, तो मैंने कल पूछा था कि सेशन कितने प्रकार के होते हैं, सत्र कितने तरह के होते हैं, तो 3 प्रकार के, बजट सेशन, बजट सत्र, मानसून सेशन और विंटर सेशन, 3 तरह से होते हैं। और उनकी टाइमिंग्स पूछी थी मैंने, जो हमारा बजट सेशन होता है वो फरवरी से मई तक होता है, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक होता है जो कि अब चल रहा है, और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो उसका राइट आंसर है ममता बनर्जी, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया और बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया। और उसके बाद है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो मैंने पूछा था कि क्या इंडिया इसका पार्ट है, तो इसका इंडिया इसका पार्ट नहीं है। उसके बाद है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अभी जो हिमालय पे बॉर्डर रोड बनाने के लिए, रोड बनाना शुरू करने की भी बात की है, तो मैंने पूछा था कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, तो ये 7 मई 1960 को बनी थी, तो याद रखिए 1960 में बनी थी ये, और इसका हेडक्वार्टर जो नई दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो ये थे कल के क्वेश्चन, अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात यह है कि ताजमहल के आसपास बनेगा नो प्लास्टिक जोन। तो ताजमहल, अब आपको पता है कि गंगा यमुना की सफाई की काफी बातें चल रही हैं, ये पॉलिटिशियन बहुत ही ज्यादा क्लेवर होते हैं, जब इलेक्शन सर पे होते हैं तो मुद्दों को गर्म कर देते हैं,
जैसे कि पहले इतने साल 2014 से लेकर 2019 आने वाला है लेकिन गंगा की सफाई नहीं हुई, लेकिन अब पूरा जोरों शोरों से काम चल रहा है कि हाँ गंगा की सफाई हो रही है, गंगा नदी की सफाई हो रही है, यमुना नदी की सफाई हो रही है। तो यही न्यूज में भरा पड़ा है सारा दिन, और सारी जो अखबार पॉलिटिक्स से भरी हुई है। तो हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करेंगे। तो इसमें बताया क्या रखा है कि ताजमहल के आसपास नो प्लास्टिक जोन बनेगा जिसमें कि प्लास्टिक यूज नहीं होगा, और पर्यावरण योजना, शहरी योजना, परिवहन संबंधी योजना, ताज का संरक्षण और शहरी डिजाइन, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी गई, इसके इस जो इसका डॉक्यूमेंट बनाया गया उसके अंदर ये सारी चीजें दी गई हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जो विजन डॉक्यूमेंट दिया है तो उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो जब वो डॉक्यूमेंट आएगा तो वो फिर मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा। तो अब आप यही याद रखिए कि ताजमहल को बचाने के लिए, उसकी जो सुंदरता है उसको कायम करने के लिए नो प्लास्टिक जोन उसको करार दिया गया है, और यमुना की सफाई के लिए भी अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वो भी हम देखते हैं आगे। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, जिनको दिल्ली पुलिस का मतलब शौक है कि दिल्ली पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है, दिल्ली पुलिस होगी और मजबूत, मिलेंगे 3139 पदों की स्वीकृति। तो अब 3139 पद और जो स्थान उन्होंने अलॉट किए हैं दिल्ली पुलिस को, जिसके अंदर की 75 इंस्पेक्टर, 336 सब इंस्पेक्टर और 310 ASI, 858 हवलदार और 1560 सिपाहियों की भर्ती करनी है। तो ये जल्द इनकी भर्ती होगी, जल्द इनका नोटिस आएगा, और जब भी नोटिस आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और नेक्स्ट है गंगा सागर तक 6 और सेंचुरी। तो गंगा नदी में जो पहले सेंचुरी थी अब और सेंचुरीज बनाने की बात की जा रही है, और वहां पे और नेशनल पार्क डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है। तो देख लीजिए ये जो सेंचुरी और नेशनल पार्क कौन क्या नाम है और ये कौन सी स्टेट के अंदर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कई बार। गंगोत्री नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के अंदर है, राजा जी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में है, कछुआ सेंचुरी ये वाराणसी के अंदर है, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर है, और देवप्रयाग से ऋषिकेश उत्तराखंड, मखदुमपुर से नरोरा उत्तर प्रदेश। तो ये जो 6 जगह है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे काफी जो जल जीव रहते हैं तो उनको संरक्षण करने की बात की जा रही है, यहाँ पे अलग से और सेंचुरीज बनाने की बात की जा रही है। तो ये वो 6 जगह है, तो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको ये 6 याद रखने की जरूरत है। और ये थोड़ा और देख लीजिए कि वहां पे पक्षी कौन कौन से हैं, ब्लैक बिल टर्न, इंडियन स्कीमर, तो पूछ लेता है कि इंडियन स्कीमर कौन सी नदी में पाया जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, या और भी कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखिए इंडियन स्कीमर गंगा नदी में है, सारस, बत्तख व हंस, और नेक्स्ट है जो जलीय जीव डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, उसके बाद चिकनी लपेट, ब्लैक बेलिड और छोटे पंजे वाला। तो ये सारी चीजें गंगा में पाई जाती है, तो आप इनको याद रखिए, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ दिया जाता है। और नेक्स्ट जो दिल्ली सरकार ने काफी बड़ा फैसला किया है, शहीद सैनिक के परिवार जनों को 1 करोड़ रुपए देगी दिल्ली सरकार। तो ये काफी अच्छा फैसला है कि दिल्ली सरकार ने ये इसके लिए शुरुआत की है, पहल की है। ये पहले 2015 में शुरू की जा चुकी थी लेकिन जो उप राज्यपाल थे उन्होंने इसको रोक दिया था, और फिर से इसको केजरीवाल जी शुरू करवाने जा रहे हैं। तो इसलिए भी लेफ्टिनेंट LG की जो LG की मंजूरी की जरूरत है, और वो जल्द मंजूरी मिल जाएगी तो फिर जो भी शहीद सैनिक दिल्ली के अंदर हैं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये सिर्फ दिल्ली में ही क्यों, पूरे इंडिया में ये क्यों नहीं लागू किया जा रहा? तो इसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी कि ये पूरे इंडिया के अंदर करना चाहिए। और नेक्स्ट है मॉब लिंचिंग मामला। तो आपने देखा होगा अखबारों में यही चल रहा है आजकल, न्यूज में भी यही चल रहा है कि मॉब लिंचिंग, राजस्थान में एक मुस्लिम की हत्या कर दी गई, वो भी पीट पीट कर, वो भी पुलिस के सामने। तो कितनी बुरी बात है कि उसको कुछ वो गाय को ले जा रहा था, ठीक है उसने गलती की, उसको कानून सजा देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ उस पे, जो भीड़ उसको मारना शुरू कर दे और भीड़ उसकी जान ले ले। तो ये पुलिस ने मान लिया है कि हाँ उसकी मौत हुई है, और इसमें पुलिस की लापरवाही है कि पुलिस ने पहले जो गाय थे उनको गौशाला छोड़ने जाने लगी, और बाद में जाके उनको उन्होंने अकबर को हॉस्पिटल में लेके गई, तो इसलिए अकबर की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। तो ये राजस्थान पुलिस मान रही है, और इसलिए 3 जो राजस्थान पुलिस के लोग थे उनको हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने रवांडा में भारतवंशियों के सकारात्मक प्रभाव को सराहा। तो प्रधानमंत्री भी रवांडा गए हैं, वो 10वें समिट ब्रिक्स समिट के लिए साउथ अफ्रीका गए हैं, और वो रवांडा से होते हुए गए हैं, तो रवांडा के लिए 200 गाय लेके गए हैं।
तो वहां पे जो हर घर में जो एक गाय भेंट करने की है, प्रत्येक गरीब परिवार को एक गाय देने की योजना है, तो इसलिए 200 गाय रवांडा के लिए यहाँ से मोदी जी लेकर गए हैं। तो वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, और किगाली में भारत जल्दी ही भारतीय उच्च उद्योग शुरू हो जाएगा किगाली में। तो एक तो ये याद रखिए कि किगाली है कहाँ, तो ये रवांडा के अंदर है, और एक है किगाली एग्रीमेंट। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि किगाली एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है किगाली एग्रीमेंट, और ये 2016 के अंदर हुआ था, और ये एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पार्ट है। तो ये याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किगाली एग्रीमेंट याद रखना फ्रेंड्स, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है लोकपाल पर केंद्र के जवाब से कोर्ट असंतुष्ट, तो लोकपाल और लोक आयुक्त बिल कब आया, ये क्वेश्चन है। ये खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस खबर के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल बिल पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये 2011 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट है नमामि गंगे दिशा सही दशा वही, तो अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो गंगा ये वाला मामला बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी में है, तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर आपको याद रखना है ये, और उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई 1000 किलोमीटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए। और जो गंगा पर प्रदूषण का बोझ है वो किस किस चीजों का, एक तो शहरी जो शहर का सारा सीवरेज का पानी गंगा में जा रहा है, ऊपर से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल का पोल्यूशन है, वो भी गंगा में जा रहा है, और दूसरा जो काफी लोग जो खुले में शौच जाते हैं, वो भी जो सारा कचरा है वो गंगा के अंदर ही जा रहा है, तो ये गलत बात है। तो थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, ताकि लोग भी हेल्प करें, अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तो ये इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि बदहाल सहायक नदियां गंगा को कर रही बेहाल, तो जो गंगा की सहायक नदियां हैं, तो पूछ एग्जाम में आ सकता है कि काली नदी ये गंगा की सहायक नदी है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गंगा की सहायक नदी है। तो उसके बाद रामगंगा, गोमती, ये सारी नदियों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। यमुना नदी, इसको भी साफ करने के लिए 1600 करोड़ रुपए दिए गए, और पहले 3000 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए गए हैं, तो इतना इतना पैसा लगने के बाद भी ये नदियां वहां की वही हैं, ये साफ नहीं रही, क्यों, क्योंकि एक्चुअल काम हो ही नहीं रहा, पैसे जो अलॉकेट किए जा रहे हैं वो उस काम के लिए यूज हो ही नहीं पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि देखें कि हाँ जो अलॉट की जा रही है स्टेटमेंट, जो पैसा अलॉट किया जा रहा है वो वाकई में काम हो रहा है या नहीं हो रहा, कि 3000 करोड़ रुपए लग गए और यमुना अब तक साफ नहीं हुई, अब 1600 करोड़ रुपए और दिए जा रहे हैं यमुना को साफ करने के लिए, मतलब 4600 करोड़ रुपए लग गए और यमुना की सफाई का अभी तक तो शुरुआत ही नहीं हुई है, तो पूरी साफ तो दूर की बात है, इसलिए थोड़ा सा आप भी जागरूक होइए। नेक्स्ट है हरियाणा के बारे में, मोदी के दाम से रण जीतने की जुगत, तो अब मनोहरलाल खट्टर जी फिर से सत्ता में आने के लिए सोच रहे हैं कि जैसे मोदी जी अच्छे अच्छे भाषण दे रहे हैं, तो उसी तरह से उनके जो हाव भाव से उन्हीं की वजह से अब फिर ये सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। और नेक्स्ट है जो बर्फ पिघल रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए बर्फ पिघल रही है, और जो तापमान है वो काफी ज्यादा हो रहा है, तो इस तापमान को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो वो है हमारा पेरिस एग्रीमेंट, जो UNFCCC के अंदर आता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये 2015 के अंदर साइन किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 2015 के अंदर, तो आप याद रखिए। और ये पेरिस में, इसका नाम ही पेरिस एग्रीमेंट है क्योंकि ये पेरिस में साइन किया गया था, तो आप याद रखिए पेरिस एग्रीमेंट, जो कि एनवायरमेंट कंट्रोल के लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए है, तो ये एग्जाम के अंदर आएगा क्वेश्चन। और नेक्स्ट जो हमारा एडिटोरियल है, एडिटोरियल के अंदर ये बताया जा रहा है कि हिंसक भीड़ से हारता कानून, तो जो भीड़ है वो हिंसा हिंसा पर उतर आई है, तो इस भीड़ पे कंट्रोल करने के लिए क्या कोई कानून नहीं है, तो जब कानून अपना काम ही नहीं करता और अदालतों फैसला करने में जरूरत से ज्यादा समय लेती है, तो फिर न्याय मूकदर्श बनने लगता है, तो यही इसमें बताया गया एडिटोरियल में कि जो न्याय है वो लेट मिले तो उसका मिले या ना मिले का कोई फायदा नहीं। जैसे इंग्लिश के अंदर एक लाइन है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जिसको लेट न्याय मिला उसका फायदा है या नहीं है। इसमें जो हमारे राइटर है एनके सिंह वो बता रहे हैं कि एक लड़की जब वो 18 साल की थी, उसने उसका विवाह हुआ था, तो उसने शिकायत दर्ज कराई, कोई मामला था अदालत के अंदर चला गया, 12 साल उसको हाईकोर्ट में लग गए लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर उसके बाद वो
सुप्रीम कोर्ट चली गई 12 साल, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दिए, 24 साल बाद उसका जो फैसला आया, लेकिन अब वो लड़की इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो क्या फायदा इस फैसले का। हालांकि अब वो केस जीत चुकी है वो लड़की, तो ये दहेज का केस था, अब वो जीत चुकी है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं, तो इस जीत का वो क्या करेंगे उसके घर वाले। तो ये जस्टिस टाइम पे ही मिलना चाहिए। उसी तरह ये जो मॉब लिंचिंग का मामला, ये काफी उठा हुआ है, इसी के बारे में ये आर्टिकल है कि लोग देखते नहीं है और लोगों को जो भीड़ है वो मारने लग जाती है किसी एक आदमी को, चाहे उसकी गलती है या नहीं है, ये लोगों का फैसला नहीं, ये कानून फैसला करेगा, इसके लिए पुलिस है, जज है, सब कुछ है, इसके लिए पूरी कानून व्यवस्था जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो सब कुछ वो देखेंगे, यार आप क्यों मतलब जज बन जाते हो। तो इसलिए थोड़ा सा इसी के बारे में आर्टिकल दिया हुआ है, तो इसमें यही बता रखा है कि जो गुंडागर्दी हुई है अभी राजस्थान में अलवर जिले के अंदर, कि उन्होंने एक मुस्लिम को पीट पीट कर मार डाला, तो उसकी गलती क्या थी, वो गाय को लेके जा रहा था, तो ठीक है वो लेके जा रहा था, उसको कानून के हवाले कर देते, कानून उसको खुद सजा देता। और इसमें राइटर बता रहा है कि शायद वहां के जो लोकल एमएलए या एमपीज हैं उन्हीं का हाथ है उन लोगों के सिर पे, कि कानून आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, या फिर कानून भी वहीं पे उनके साथ मिला हुआ है। तो इसी के बारे में राइटर बता रहे हैं कि कानून भी साथ ही मिला हुआ है, कानून जो उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और दूसरी बात, जब उन्होंने गाय को छुड़वाया था और उस आदमी को छुड़वाया था, तो कानून पहले जो पुलिस वाले पहले गाय को गौशाला छोड़ने के लिए चले गए, लेकिन आदमी को नहीं लेके गए हॉस्पिटल, और जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तब उसको अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया। मतलब हमारे देश में पशुओं से, मतलब पशुओं की ज्यादा वैल्यू है और इंसानों की कम वैल्यू है, तो ये कितना गलत है, ये कितनी गलत दिशा की तरफ हमारा देश जा रहा है। इंसानों की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ना कि पशुओं की। तो थोड़ा यार, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, ध्यान रखिए इन बातों का। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है सेना के साए में रहेगा पाकिस्तान। तो आप लोगों को पता है, कि शायद आपको पता है या नहीं पता, मैं बता देता हूं कि जब भी वहां पे कोई नई इलेक्शन होके जब नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, तो उसके बाद वहां पे कुछ टाइम बाद सेना जो कू कर देती है, और सेना के कंट्रोल में सारा जो उनकी पाकिस्तान की बागडोर आ जाती है। तो अब नवाज शरीफ को हटा दिया गया था इस वजह से कि वो मोदी जी के दोस्त हैं, और उनको भी गद्दार कहा जा रहा है, कि जो मोदी जी का दोस्त है वो गद्दार है। तो अभी चुनाव है आज पाकिस्तान के अंदर, तो देखते हैं कौन सी पार्टी जीतेगी, और जो पार्टी जीतेगी फिर उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये अभी कल अच्छे से आर्टिकल आएगा, अभी कौन सी पार्टी जीत कर आ रही है, कल जो भी आएगा फैसला वो हम देखते हैं। और इसमें एक और बात कही गई कि जो उनका इमरान खान है, उस इमरान खान को अरविंद केजरीवाल बताया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के बराबर। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की जहां पे वैल्यू कम होती दिख रही है इंडिया के अंदर, तो अब वो उसको सेना का हाथ मिल गया, उसके साथ सेना है, तो लगता है कि जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं वो इरफान खान ही बनेंगे। बाकी देखते हैं, जब इनके रिजल्ट आएंगे तो अच्छे से बात करेंगे इस पे, अब इसके बारे में कुछ खास नहीं दिया हुआ है। और नेक्स्ट ये जो है, ये मैं डेली बताता हूँ, ऊर्जा वाला जीवन का खेल। तो जीवन को एक फेयर मैच की तरह देखें, जैसे एक फुटबॉल मैच होता है, अपने लाइफ को इसी तरह से जीने की कोशिश करें। जैसे कि फुटबॉल मैच कुछ रूल्स के हिसाब से होता है, कभी बॉल आपके पास आपकी साइड, और कभी बॉल दूसरे की साइड, तो दूसरी साइड सारी चीजें हो सकती हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो कभी बॉल उनकी तरफ होती है और कभी बॉल आपकी तरफ होती है। जब आपकी तरफ होती है तो आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात, जैसे आप लोग फुटबॉल खेलते हैं तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, उसी तरह लाइफ को भी आप टाइम टू टाइम चेंज कीजिए, अपने रूल्स चेंज कीजिए, जल्दी उठा कीजिए सुबह, और अपना जो एक शेड्यूल बनाइए उस शेड्यूल के हिसाब से काम कीजिए। तो आज न्यूज इतनी ही थी, आज कुछ ज्यादा लंबा नहीं था, कई बार जो ज्यादा न्यूज होती है तो अच्छे, मतलब अच्छे से लेक्चर ज्यादा लंबा चलता है, आज लेक्चर 20 मिनट का ही था। और ये जो हमारे लेक्चर्स के टाइमिंग, मैं फिर से आपको याद करवा देता हूँ कि 6 बजे सुबह करंट अफेयर डेली, 7 बजे इंग्लिश करंट अफेयर, और 9 बजे दैनिक जागरण का एनालिसिस, उसके बाद जो लाइव लेक्चर है 10:30 बजे, मॉक टेस्ट 11:30 बजे, और हरियाणा पुलिस या हरियाणा जीके का टेस्ट वो 4 बजे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपीएससी के लिए भी लेक्चर सीरीज चल रही है, यूपीएससी के लिए अलग से जो एनसीईआरटी हिंदी के अंदर है वो भी करवाई जा रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट करके अपने कमेंट जरूर करें, जो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो वीडियो के अंदर जरूर कमेंट किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।